हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अभी एसएससी का लेटेस्ट अपडेट आया है वेबसाइट पर, लेटेस्ट नोटिस आया है। क्या है उस नोटिस में और क्या कुछ उसमें बता रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नोटिस जो है वो एसएससी का आपका लेटेस्ट अभी अभी आया है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये जो आपके फॉलोइंग एग्ज़ाम्स हैं ये डिले हुए थे। CHSL का टीयर वन है, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है, और CGL का एग्ज़ाम है। ये सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, तो कमीशन ने इन सभी को इस नोटिस के अकॉर्डिंग इन्हें डिले कर दिया है, एग्ज़ाम्स को रिस्केड्यूल किया है। कमीशन हैज़ बीन रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ द अबव रिफर्ड एग्जामिनेशन फॉर द चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ द कैंडिडेट्स फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर द अबव रिफर्ड एग्जामिनेशन विच कुड नॉट बी हेल्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक लॉकडाउन। तो कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो एग्जाम्स नहीं हो पाए थे, जो फॉलोइंग एग्जाम्स मैंने आपको बताए, इन एग्जाम्स के सेंटर आप लोग अपने अपने बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आपने अपना सेंटर दिल्ली डाला हुआ था, लेकिन अब आप, क्योंकि कोविड-19 है, आप इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप इन सेंटर को चेंज कर सकते हैं और अपना नियरेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इसलिए सेंटर बदलने का ऑप्शन SSC ने दिया है, और ये बहुत ही अच्छा कदम है और एक पॉजिटिव कदम है, एक अच्छी डायरेक्शन में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं कि टू स्टार्ट विद द रिमेनिंग कैंडिडेट्स ऑफ CHSL 10+2 लेवल, दे सबसे पहले इनका बात होगी, बाकी के एग्जाम्स का चेंज होगा। सबसे पहले ये एग्जाम है तो इसी को चेंज होगा। CHSL 10+2 का है, मे मॉडिफाई दियर एग्जामिनेशन सेंटर्स फ्रॉम 18/9/2020 to 29/2020, यानी कि 18/9/2020 से अब 20/9/2020 तक बदल सकते हैं। लॉग इन करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए और अपने सेंटर को बदल सकते हैं। ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अवेलेबल टू द इन द विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट्स डैशबोर्ड अंडर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन, यानी कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में आप जाकर बदल सकते हैं 18/9/2020 से। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द डैशबोर्ड फॉर द चेंज ऑफ सेंटर एंड फॉलो देम। जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हों वहाँ पे, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फॉलो करना है, तभी आप अपने सेंटर को बदलिएगा। नोटिस फॉर अ सिमिलर प्रोविजन इन रिस्पेक्ट फॉर रिमेनिंग एग्जामिनेशन लिस्टेड एट पैरा 1 शैल बी इशूड इन ड्यू कोर्स, यानी कि जो बाकी के एग्जाम्स हैं उनकी नोटिस भी समय समय पर आती रहेगी। अब आपकी बात कर लेते हैं एग्जाम कब कब शेड्यूल्ड है। तो CHSL का एग्जाम शेड्यूल्ड है 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, फिर 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, और 26/10/2020 को ये एग्जाम शेड्यूल्ड है। जूनियर इंजीनियर का एग्जाम शेड्यूल्ड है आपका 27/10/2010 से 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। CGL का टीयर 2 शेड्यूल्ड है 2 नवंबर से 5 नवंबर तक। फेस से 8 का एग्जाम शेड्यूल्ड है 6/9 और 10/11 को, यानी कि 6/9 और 10/11 को। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D का एग्जाम शेड्यूल्ड है 16 नवंबर से 18 नवंबर तक। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम शेड्यूल्ड है 19 नवंबर को, और CAPF यानी CPO का एग्जाम शेड्यूल्ड है 23 नवंबर से 26 नवंबर तक, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शेड्यूल्ड है 27 नवंबर से 30 नवंबर, 1/12 से 3/12, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर, 7 दिसंबर से 11 दिसंबर और 14 दिसंबर तक। ये सारे एग्जाम्स की डेट हैं। अभी आपको सबसे पहले CHSL के इस एग्जाम सेंटर चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, आने वाले समय में बाकी के एग्जाम सेंटर्स चेंज करने का भी ऑप्शन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये अभी की नोटिस थी। इसके अलावा अगर अनअकैडमी पर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद अनअकैडमी पर पढ़ाए जाने वाले सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का कोर्स है, वोकैबुलरी का कोर्स है, SSC का इंग्लिश का कोर्स है, और रीजनिंग का, ये सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारे रेफरल कोड्स के थ्रू। तो और उसके बाद जितने भी अनअकैडमी पर कोर्सेज चल रहे हैं, सारे टीचर्स को सबको देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसके बाद इन एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स कीप इट टिल हियर। आई होप आपको जितना पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में दर्ज कराइए, और आगे के वीडियोज़ के लिए इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।